हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन यशोदा नंदन यमुना तीरा मन कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हम श्रवण कर रहे थे चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के 10वें अध्याय से भगवान की महाप्रकाश लीला। 21 घंटे की जो 7 प्रहर की महाप्रकाश लीला चल रही थी, उसमें सभी भक्तों को एक एक करके भगवान ने अपना मूल रूप बताया और भक्तों के बारे में बताया कि आप पूर्व जन्मों में क्या क्या थे और किस प्रकार से मैंने आपकी सहायता की थी। अब मुकुंद का सबका हो गया दर्शन, मुकुंद को भगवान ने छोड़ दिया। मुकुंद पर्दे के पीछे था, उस भगवान ने उसको बुलाया नहीं। सबको आश्चर्य हुआ कि मुकुंद तो भगवान का प्रिय, सदा भगवान के साथ गाता और भगवान उसके गाने को सुन के तो सारी सुध-बुध खो बैठते हैं, भगवान ने मुकुंद को क्यों नहीं बुलाया। सबने भगवान से पूछा, चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आपने मुकुंद को क्यों नहीं बुलाया। मुकुंद बोलता है कि एक तरफ वो दांतों में तिनका लेके मेरा मेरे सामने नम्रता करता है और दूसरी तरफ मुझे बेंत से मारता है। सबको आश्चर्य हुआ, सबने पूछा भगवान, चैतन्य महाप्रभु हम इसका मीनिंग नहीं जानते। उन्होंने बोला कि एक तरफ वो मेरी पूजा करता है, मेरे सामने भक्ति करता है, लेकिन दूसरी तरफ मायावादियों के बीच में उठता बैठता है। मायावादी तो मानते हैं कि मैं ना तो मेरा सिर है, ना पैर है, ना हाथ है, ना पांव।
इस तरह से वो मुझे बिना अंग का कर दिया उसने, इसलिए मैं सबने जाके मुकुंद को बताया। मुकुंद ने भी सुन रखा था कि मुकुंद का भी मुकुंद को अभी मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो मुकुंद समझ गया कि भगवान उनसे चैतन्य महापुरुष बहुत अनहैप्पी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं उनसे। मुकुंद ने फिर भी श्रीवास पंडित से पूछा कि आप चैतन्य महाप्रभु से एक प्रश्न पूछना कि मैं मुझे कितना समय लगेगा उनके सामने जाने में, क्वालिफाई होने में, योग्य होने में, उनके चैतन्य महाप्रभु के सामने जाने में कितना समय लगेगा, कब मुझे दर्शन देंगे। प्रभु ने उसको उत्तर दिया था कि मिलियंस ऑफ बर्थ, करोड़ों जन्म के बाद दर्शन मिलेगा। उसके पश्चात आज हम सुनते हैं मुकुंद की क्या प्रतिक्रिया होती है। सुनीला निश्चय प्राप्ति प्रभुर श्री मुखे, मुकुंद सिंचिता ही ले परानंद सुखे। पाइबा बोली करे महान नृत्य, प्रेमे ते विहल हई ले चैतन्य रवृत्य। जैसे मुकुंद ने सुना भगवान के मुख से कि वो उसे अवश्य दर्शन प्राप्त होंगे लेकिन करोड़ों जन्मों के बाद में, मुकुंद तुरंत आनंद के सागर में डूब गया। वो जोर जोर से डांस करने लगा मुकुंद, बोले कि मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे, दर्शन मिलेंगे, चाहे करोड़ों जन्मों बाद भी मिलेंगे, लेकिन भगवान ने बोला है अवश्य दर्शन दूंगा मैं उसके करोड़ों जन्मों बाद, मुझे दर्शन प्राप्त होंगे, मुझे दर्शन प्राप्त होंगे, ऐसा करके मुकुंद नाचने लगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक जो है आनंद में डूब गए ये सब दृश्य देख के। मुकुंद उत्साही हो गया कि जो मायावादी होते हैं वो तो स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या किया माना जाते हैं, कभी भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुकुंद को ये आशा हो गई कि भगवान ने बोला कि करोड़ों जन्म बाद उसको मिलेंगे, उसको दर्शन होंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान में विलय होकर मुक्ति पाना चाहता है तो उसको भक्ति कभी भी नहीं मिल पाती। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया सिद्ध ब्रह्म सुख मांगना दैत्यश्च हरिनाथ। सिद्ध जो सिद्ध लोग वहां रहते हैं ब्रह्म के सुख में, और जो असुर होते हैं भगवान के द्वारा मारे गए वो भी जाके उसी ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। जो लोग आगे कहा गया, जो लोग भगवान के महाप्रसाद का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं, उनके बारे में कहा गया कि भगवान का जो प्रसाद होता है वो श्री हरि का ट्रांसेंडेंटल इनकरप्टिबल, और भगवान हरि से डिफरेंट रहता है। जो लोग परवर्टेड मेंटलिटी के, परिवर्तित मानसिकता के हैं, जो उनको भगवान के प्रसाद को मटेरियल मानते हैं, वो लेप्रोसी हो जाएगा और वो चिल्ड्रन वाइफ और फैमिली रहित हो जाएंगे और नरक के सबसे अंधकारमय हिस्से में जाएंगे। जो व्यक्ति आचार्य की ड्रेस पहनता और आचार्य की पोजीशन लेता है, जो भागवतम के कंक्लूजन के विपरीत समझता है, और जो कीर्तन ऐसा करता है जो भगवान की महिमा नहीं गाता,
काउंटलेस अनगिनत जन्मों के लिए नरक में जाता है। मुकुंद के मन में ऐसा विचार आ रहा था कि कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं नरक में चला जाऊं, भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जब उसने सुना कि भगवान अवश्य दर्शन देंगे तो मुकुंद बहुत हैप्पी हो गया। इस बात को सुन के महाप्रभु के कि करोड़ों जन्मों बाद भी दर्शन देंगे, लेकिन महाप्रभु दर्शन जरूर देंगे। वो डांस करने लगा, महानंदे मुकुंद नाचे आते सही खाने, देखी बिना है नवा के सुनी आश्रय रावण। ये वाक्य सुनने के बाद में के भगवान अवश्य दर्शन देंगे, मुकुंद डांस करने लगा, बहुत प्रसन्न होकर डांस करने लगा। मुकुंद मुकुंद देखिया प्रभु हासे विषम भर, आज्ञा हैला मुकुंदेर आना सत्वर। मुकुंद को देख के भगवान विषम्भर स्माइल किए और जब डांस करते देखा, बोले बुला मुकुंद को बुलाओ। सकल वैष्णव दाके आयशा मुकुंद ना जाने, मुकुंद किचु पाया आनंद। सारे वैष्णव बुलाया, मुकुंद आओ आओ, पर मुकुंद जो है डांस में कीर्तन में इतना आनंदित हो गया कि उसको पता नहीं क्या हो रहा है। प्रभु बोले मुकुंद गुचिला अपराध, ऐसा हमारे देखा धरा प्रसाद। भगवान ने कहा मुकुंद चलो तुम अपराध से मुक्त हो गए, आओ मैं अभी तुमको अभी दर्शन देता हूँ, कृपा दे देता हूँ। प्रभु आज्ञा सबे अनिल, प्रभु आज्ञा सबे अनिल धरिया पदिता पदिला मुकुंद महापुरुष देखिया। भगवान के आदेश से, महाप्रभु के आदेश से सारे जीवोटी जे मुकुंद को लाए और वो मुकुंद जो है भगवान को देख के आनंदित हो गया और जमीन पे पृथ्वी पे मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रभु बोले उठो उठो मुकुंद आमार, तिलार देखा अपराध नहीं के तुमार। भगवान बोलते हैं मुकुंद से, गेट अप मुकुंद, उठो उठो मेरे प्रिय मुकुंद, उठो, आपका एक अंश भर भी अपराध नहीं है। संग दोष तुम्हारा सकल हैला क्षय, तोरा स्थाने हमारा हैला प्रजय। तुम्हारा जो गलत संग के कारण जो था, मायावादी के संग कारण जो अपराध था, वो सब चला गया। मैं तुम्हारे इस डांस से नृत्य से इतना प्रसन्न हुआ कि तुमने मुझे पराजित कर दिया, मुझे डिफीट कर दिया। तो जो सुप्रीम लॉर्ड होता है भगवान है, वो प्रेम से कंट्रोल होता है। जो भक्त होता है वो प्रेम से भगवान को इस तरह से कंट्रोल कर पाता है कि वो कई बार भगवान की इच्छा को भी परिवर्तित कर देता है। महाप्रभु मुकुंद से बोलते हैं, मुकुंद मेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो शक्ति थी वो तुम्हारे प्रेम मई सेवा से पराजित हो गई। बैड एसोसिएशन के कारण, गलत संघ के कारण तुम अपनी मूल स्थिति भूल गए थे कि तुम भगवान के सेवक हो, इसलिए तुम गलत संघ के कारण प्रभावित हुए थे। लेकिन अभी भक्तों के संघ के कारण तुम्हारा जो मायावाद का संघ था वो खत्म हो गया और अब से तुम फिर से अपने नित्य रस को प्राप्त कर रहे हो कीर्तन करके, इसलिए भगवान से विमुखता आपके अंदर है नहीं। मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि आपको भगवान की, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। लेकिन तुम्हारे अपराध के स्तर को देख के मैं कह सकता हूं कि तुम्हें जो तुम्हारी जो भक्ति है शुद्ध भक्ति, वो तुम्हें करोड़ों जन्म बाद प्राप्त हो।
मैं सोचा था, लेकिन तुम्हारा भक्ति के प्रति इतनी उत्सुकता देख के, तुमने जो वो करोड़ों जन्म वाला टाइम था वो एक क्षण में खत्म कर लिया। इस प्रकार से मेरी शक्ति भी खत्म हो गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि करोड़ों जन्म तक तो मैं दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी इस प्रेममय भक्ति के कारण मैं तुरंत दर्शन देने के लिए और तुरंत वरदान देने के लिए तैयार हो गया। मैं पराजित हुआ तुम्हारी भक्ति के सामने। कोटि जन्मे पाइबे हने बलिला में आमी तिला रे धेके सब तहां गुचीले तुम। मैंने घोषणा की थी कि तुम मुझे करोड़ों जन्म बाद प्राप्त हो गए, पर एक क्षण में तुम उन सब अपराधों से मुक्त हो गए और तुरंत मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त हो गई। अव्यर्थ है हमारे वाक्य, तुम्ही से जानीला तुम्ही आमा सर्व काला हृदय बंधीला। तुम भी कॉन्फिडेंट थे कि मेरे शब्द जो है अच्युत हैं, इसलिए तुमने मुझे हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थापित कर लिया। हे मुकुंद, तुम्हारी भक्ति इतनी महान है, क्या आपने मेरे शब्दों को अपने सिर पर स्वीकार कर लिया ये सोच के कि करोड़ों जन्म बाद तुम्हें भक्ति मिलेगी? उस समय तुम ये इस चीज को मान लिया था तुमने मेरी बात को कि करोड़ों जन्म बाद मुझे भक्ति जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने मेरे शब्दों को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया पूरे विश्वास के साथ में। मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं आ सकता, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ। हमारे हमारे गायन तुम्ही थाका आमा संगे परिहासे पात्र संगे आमी कैला रंगे। तुम तो मेरे सिंगर हो, गायक हो, तुम हमेशा मेरे में निवास करते हो। मैं तो जस्ट परिहास कर रहा था, हास हास कर रहा था, परिहास कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था तुम तो भक्ति पाने वाले असली उम्मीदवार, तुम हमेशा भगवान की महिमा गाते हो, इसलिए तुम हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हो। महाप्रभु बोल रहे हैं मुकुंद को। मैंने जो बोला कि तुम करोड़ों जन्मों बाद मुझे प्राप्त करोगे, वो तो मेरा परिहास था, लेकिन तुमने उसको सीरियसली लिया था, तुम तब भी प्रसन्न थे। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए ये जो परिहास किया मैंने तुम्हारे साथ में, ये मेरा नेचर है अपने भक्तों के साथ में परिहास करना। सत्य यदि तुम्ही कोटि अपराध कर से सकल मिथ्या तुम्हें मोर पियतर। अगर तुमने करोड़ों भी अपराध किए हैं, उसको अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मुझे बहुत प्रिय हो। भक्ति में तुम्हारा शरीर है मोर दास, तुम्हारा जीवा है मोर निरंतर वास। तुम मेरे सेवक हो, और तुम्हारा शरीर जो है भक्ति सेवा से भरा हुआ है, और मैं हमेशा तुम्हारे जीवा पे निवास करता हूं।
भगवान के भक्तों की जो भगवान के भक्तों की जो अंग है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और जो गौर सुंदर है वो तुम्हारे पवित्र नाम से अभिन्न है। गौर सुंदर जो है अपने नाम से अभिन्न है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली मुकुंद की जीवा पे निवास करते। कृष्ण के भक्त जो है, कृष्ण के जो सर्वेंट है, उनके साक्षात्कार में भगवान की सेवा हमेशा उपस्थित रहती है। इसलिए जो सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान है, वो कॉन्स्टेंटली भक्तों की जीवा पर निवास करते हैं। प्रभुर आश्वास प्रभुर आश्वास सुनी कांदे मुकुंद धिक्कारे करिया अपन अरे बोले मन। भगवान की इन आश्वासन पूर्ण शब्दों को सुन करके मुकुंद रोने लगे, जो मुकुंद बड़ी जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने शोक व्यक्त किया और अपने आप को धिक्कारने लगे। भक्ति ना मानी लो न मुनि ए चार मुखे देखी ले भक्ति सुनी या की पाई बेसुखे। मुकुंद भगवान के सामने कहते मैं तो इतना दुष्ट हूं कि मैंने आपकी भक्ति को स्वीकार ही नहीं किया है। मैं भक्ति रहित हूं, मैं किस प्रकार से सुखी हो सकता हूं। आपका दर्शन करके मैं किस प्रकार सुखी हो सकता हूं, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है। डिवोशनल सर्विस तो पूरा आनंद देती है, मेरे के अंदर भी मेरे अंदर डिवोशन सर्विस, मेरे अंदर भक्ति है नहीं, सो इसलिए मैं कैसे आनंद प्राप्त करूंगा। विश्व रूप तोमार देखिला दुर्योधन जहां देखी बारे वेदे करे अन्वेषण। दुर्योधन ने भी तुम्हारा आपका दुर्योधन ने भी आपका विराट रूप देखा था, जो कुछ लोग सारे वेदों में ढूंढते रहते हैं जिस विराट रूप को, वो दुर्योधन ने भी देखा था आपका विराट रूप। दुर्योधन जो है इतने भगवान के दर्शन कैसे किए, इसके बारे में वर्णन आता महाभारत में कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण को अपना दूत बना के दुर्योधन के पास भेजा था जिससे अननेसरी युद्ध नहीं हो। महाराज युधिष्ठिर महान संत है, महान संत नहीं चाहते कि अननेसरी झगड़ा हो, इसलिए उन्होंने कृष्ण को दूत बना के भेजा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने से पहले कृष्ण ने जाके प्रस्ताव दिया था, कृष्ण ने दुर्योधन को जाके प्रस्ताव दिया कि शांति बनाए रखने के लिए, कृष्ण ने जाके प्रस्ताव दिया शांति बनाए रखने के लिए राज्य को आधा आधा कर देते। दुर्योधन ने सर युद्ध कलह नहीं चाहता था, युधिष्ठिर युधिष्ठिर दुर्योधन चाहता था कलह, युधिष्ठिर महाराज नहीं चाहते थे कलह। उन्होंने कृष्ण को भेजा था कि बना के क्या फाफ आप कर लेते हैं शांति बनाए रखने के राज्य को। दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कृष्ण को अरेस्ट करने का प्रयास किया। कृष्ण दूत बन के आए थे, इससे कृष्ण इतने क्रोधित हुए और दुर्योधन को बोला, ओ दुर्योधन तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो, तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, ये सोच के मैं अकेला हूं,
इच्छा पूर्ण मूर्ख पूर्ण है। अभी देखो जरा, सारे पांडव, अंधक, वृष्णि, आदित्य, रुद्र, वासु, सब मेरे अंदर उपस्थित है। उसी समय अपना विराट रूप बताया। इस प्रकार से बोलते हुए भगवान ने जोर से हंसे और सारे जो उन कृष्ण की बॉडी में सब अंगूठे जैसे साइज के लग रहे थे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण एजिटेट हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे और दुर्योधन को भयभीत कर दिया अपना यूनिवर्सल फॉर्म बता के। देखिया वो सोम से मरिला दुर्योधन, ना पाइला सुख भक्ति सुने कर। तो देखिए, दुर्योधन ने भगवान का विराट रूप देखा तो भी दुर्योधन युद्ध में मारा गया, तो बिना भक्ति के भगवान का कोई दर्शन भी कर ले क्या फायदा। दुर्योधन ने विराट रूप देखा भगवान का तो भी मारा गया युद्ध में, जबकि कोई भी भगवान का दर्शन करने के बाद कैसे मारा जा सकता। वो भगवान का विराट रूप देख के उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर भक्ति नहीं थी। तो जो लोग इनग्रॉस्ड होते हैं, पी पर्सन हु आर इनग्रॉस्ड इन मटेरियल कॉन्सेप्ट्स कंसीडर दिस मटेरियल वर्ल्ड एज टेम्पररी यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉ। आगे बताते हैं, हालांकि दुर्योधन जो था वो भौतिक ज्ञान से पूरा एनरिच्ड था, भरा हुआ था उसमें भौतिक ज्ञान। उसने भगवान का विराट रूप देखा तो भी भगवान के द्वारा मारा गया उसके फैमिली के साथ में। कुछ अपने पूर्व पुण्य कर्म के कारण दुर्योधन ने भगवान का रूप देखा भौतिक जगत में, भगवान की माया शक्ति ने उस रूप को बनाया था वो भगवान का, लेकिन वो उसने भगवान का एक्चुअल रूप नहीं देखा। इसलिए भगवान को मटेरियल समझा, भौतिक समझा, इसलिए भगवान की सेवा के प्रति वो आकर्षित नहीं हो पाया। इसलिए भगवान को दुर्योधन के लिए इम्पॉसिबल था कोई भी आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना। इसके बजाय वो भगवान की सेवा से विमुख था, वो उसकी फैमिली के साथ डिस्ट्रॉय हो गया दंड के रूप में। ना भक्ति ना मानिला आमी चार मुखे, देखिले है कि हैबा आर मोर प्रेम सुखे, जाखाने चलीला तुम्हें रुक्मणी हरने, देखिला नरेंद्र तोमा गरुड़ वाहने, अभिषेके हैला राज राजेश्वर नाम, देखिला नरेंद्र सब ज्योतिरे माया धाम, ब्रह्मादि देखिते जहां करे अभिलाष, विदर्भ नगरे तहां करिला प्रकाश, तहां देखी मारे सब नरेंद्र रे गान, ना पाइला सुख भक्ति शून्य रे कार। मुकुंद बोलते, मैं इतना दुष्ट हूं कि मैंने भगवान की भक्ति भी स्वीकार नहीं कि मेरे में भगवान की सेवा नहीं है, डिवोशनल सर्विस नहीं है। मैं डिवोशनल सर्विस रही तो मैं किस तरह से भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकूंगा आपको देख के। जब आप रुक्मणी का अपहरण करने गए थे, सब सारे राजाओं ने आपको देखा कि आप गरुड़ के पीठ पर सवार होकर आ रहे हैं। अभिषेक, जब राज राजेश्वर अभिषेक चला था, सारे राजाओं ने आपका एफल जन तेजोमय रूप देखा। विदर्भ की सिटी में आपने अपना उस रूप को प्रदर्शित किया जो ब्रह्मा जी भी देखना चाहते हैं। आपके ऐसे सारे रूप को देखने के बाद भी जो राजा थे वो मारे गए, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि वह सब भक्ति रहित।
रुक्मणी देवी का किडनैप अपहरण कैसे हुआ इसकी कथा बताते हैं। रुक्मणी देवी जो लक्ष्मी जी साक्षात लक्ष्मी जी का प्रकाश है, वे भीष्म जो विदर्भ का राजा उसकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। उसने भगवान कृष्ण का सुंदरता उनके गुणों के बारे में अलग अलग लोगों से सुन रखा था और इस प्रकार से उनसे आसक्त हो गई अपने मन में। श्री कृष्ण को ही अपने उचित वर मान के किंग भीष्म ने कृष्ण को उन्हें दान में देने का प्रयास किया, लेकिन उस समय जो रुक्मणी का भाई था रुक्मी था वो कृष्ण से ईर्ष्या रखता था। उसने अपने पिता को मना किया और उसकी बजाय शिशुपाल को उसका वर बना दिया। इसको श्रवण करके रुक्मणी बहुत चिंतित हो गई, निश्चेष हो गई और अपनी कृष्ण के प्रति आसक्ति बताने के लिए उन्होंने कृष्ण को एक ब्राह्मण के द्वारा लेटर भेजा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कृष्ण जो है शिशुपाल आके विवाह करे उससे पहले, विवाह करे उससे पहले कृष्ण उसको अपहरण कर ले। और उसने बता भी दिया रुक्मिणी को कैसे अपहरण करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण और ब्राह्मण आए रथ से विदर्भ की सिटी में आए मैरिज के पहले, वो ब्राह्मण रुक्मिणी के पास गया और उसको बताया कि कृष्ण आ गए हैं और प्लान बता। जब फैमिली कस्टम के अनुसार रुक्मणी मैरिज के पहले अंबिका माता के दर्शन करने गई तो भगवान कृष्ण ने तुरंत उनको अपहरण किया, अपने रथ पर बिठाया और सारे राजाओं को पराजित किया जो सब शिशुपाल के बैल विषय थे और अपने धाम द्वारका की तरफ चले। आगे बोला गया है, सर्व यज्ञ मय रूप कारण सुखा आविर्भाव हैला तुमी जले रह भीतर अनंत पृथ्वी लागी अक्षय दशने जय प्रकाश देखी ते देवेर अन्वेषण देखिले का हिरण्य पूर्व दर्शन ना पाइला सुख भक्ति शून्य रह कारण। आपने अपने शुक्र फॉर्म में यज्ञों के स्वामी के रूप में एक बार आप जल के भीतर प्रवेश किए थे और अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के ले आए थे। देवता लोग आपके इस रूप को देखना चाहते थे, हालांकि हिरण्याक्ष ने आपका ये रूप देखा उसको कोई प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि वो उसके अंदर भक्ति नहीं थी। इस प्रकार से जिसमें भक्ति नहीं वो भगवान का दर्शन पाके भी प्रसन्न नहीं हो सकता। आरम महाप्रकाश देखिला तार भाई महागोप्य हृदय श्री कामल रथाई अपूर्व नरसिम्हा रूप कहे त्रिभुवने तहां देखी मारे भक्ति शून्य रे कारण। उनके भाई हिरण्यकश्यप ने भी भगवान का नरसिंह वाला स्वरूप देखा था, लेकिन ऐसे स्वरूप को देखने के बाद भी हिरण्यकश्यप को मारा गया क्योंकि उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं थी। हेना भक्ति मोर चार मुखे ना मानीला ए बड़ अद्भुत मुख खासी ना पड़ीला। मैंने भी इस प्रकार से भक्ति की कोई परवाह नहीं की लेकिन फिर भी मेरा सिर नहीं गिरा, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। कुब्जा यज्ञ पत्नी पूरा नारी मालाकार कोथाया देखीला तार प्रकाश तुम्हार। कुब्जा यज्ञ पत्नियां मथुरा की स्त्रियां और जो मालाकार था सब लोग आपका रूप देख पाए। भक्ति योगे तोमार पहला तार सब सही खाने मारे कंस देखिए अनुभव। वे सब आपका रूप देख पाए क्योंकि
उनके अंदर भक्ति थी आपकी। लेकिन कंस जो था वो विनाश हो गया, आपका आप वैश्यरी को देखते हुए भी वो विनाश हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि सबके अंदर भक्ति थी, मथुरा की स्त्री के अंदर, कुब्जा के अंदर, यज्ञ पत्नियों के अंदर, मालाकार जिसने आपको माला पहनाई थी मथुरा में, वो सबके अंदर भक्ति थी, इसलिए आपके दर्शन हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान उस सुदामा के घर गए थे जो माला बनाता था, माली था। सुदामा ने भगवान की पाद्य अर्घ्य और सैंडलवुड पल्प से पूजा की। भगवान कृष्ण जो उनसे प्रसन्न हुए, उनको उचित आशीर्वाद दिया। इसी तरीके से कुब्जा को भी भगवान ने स्पर्श करके उसे सुंदर स्त्री बना दिया। है ना भक्ति मोर चार मुखे ना माही नैला, ऐ बड़ कृपा तोर तथा पिराहिला। मैंने अपने मुख से आपके ऐसे महिमापूर्ण भक्ति की निंदा की, मैं मायावादियों के संग में आके मैंने निंदा की, ये तो आपकी कृपा है कि मैं फिर भी जीवित हूँ। जे भक्ति प्रभावे श्री अनंत महाबली, अनंत ब्रह्मांड धारे हये कौतूहली। जो मोस्ट पावरफुल श्री अनंत है, उन्होंने बिना किसी प्रयास के असंख्य ब्रह्मांड अपने ऊपर धारण किए हुए, केवल आपकी भक्ति की महिमा से। सहस्त्र फनेरा एक फने बिंदु येन यस्य मत प्रभु नाही जाने अच्छे हैं। अनंत शेष इतने इंटॉक्सिकेटेड आपके महिमा गा के कि वो उन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया कि सारे जो यूनिवर्स है, सारे ब्रह्मांड ने उनके ऊपर केवल एक ड्रॉप के ड्रॉप के समान उनके ऊपर, सिर के ऊपर धारण किया। निराश रहे पाले न करे न सभाकार, भक्ति योग प्रभवे सब अधिकार। अनंत जो अनंत शेष है, स्वतंत्र रूप से सबको मैं पालन करते हैं, ये आपके भक्ति का ही प्रभाव जिसके कारण अनंत शेष पालन कर पाते हैं। है न भक्ति ना मानी नूर मुनि पाप मति अशेष जन्मे ओ मोर नाही भल गति। मुकुंद बोलता मैं इतना पापी हूं कि मैंने इस आपकी भक्ति स्वीकार नहीं की, इसलिए मैं अनेक जन्मों के बाद भी आपकी भक्ति नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। भक्ति योग्य गौरीपति हैला शंकर, भक्ति योगे नारद हैला मुनिवर। भक्ति की महिमा से शंकर जो है पार्वती के पति बन गए, और भक्ति के बल पे नारद नारद मुनि जो है देवऋषि बन गए। गौरी के हस्बैंड कैसे बने शंकर, इसमें लिखा कि भगवान कृष्ण जब इच्छा व्यक्त की सती को शंकर की पत्नी बनाया जाए, तो भगवान शिव बोले हे कृष्ण मैं मेरी पत्नी की इच्छा नहीं है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मेरी आपके प्रति भक्ति बढ़ती जा रही है, और मैं आपके खाली नाम चैंटिंग से ही संतुष्ट नहीं हो रहा, मैं आपके चरण कमलों की सेवा भी करना चाहता हूँ। हे भगवान मैं कॉन्स्टेंटली लगातार आपके नामों का गाना चाहता हूँ अपने पांचों मुख से, चाहे मैं निद्रा में हूँ चाहे जागा हूँ। बहुत भौतिक भोग योग और ऑस्टेरिटी ये मेरे को मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है, मैं आपके ध्यान करना चाहता हूँ, और आपके रूप का मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ, और आपके रूप का करोड़ों कल्पों तक ध्यान करना चाहता हूँ। मेरी हैप्पीनेस जो है मेरा आनंद जो है
बीच में खत्म हो जाता है, जब ये सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, आपका नाम, आपका ध्यान। हे वर देने वाले वरदराज, मैं जो आपकी 9 प्रकार की भक्ति दे, जिससे मैं आपको लगातार देखता रहूं, आपकी लीला सुनता रहूं, बोलता रहूं, आपके नामों की महिमा गाता रहूं, सुनता रहूं, आपके इस आकर्षक रूप का ध्यान करता रहूं, आपके चरणों कमलों में प्रणाम करता रहूं। जो शिव है वो उनकी महिमा और भी बढ़ जाती है जब गंगा के पवित्र जल को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। ये गंगा वही गंगा जो भगवान के चरण कमलों को धो के आई। इसी प्रकार नारद की भी कथा आती श्रीमद् भागवतम में कि नारद मुनि किस प्रकार से एक दासी के पुत्र थे जो संतों की सेवा करती थी, आत्म साक्षात्कार वाले संतों की सेवा करती थी। जब वो संत लोग एक आश्रम में रुके थे चतुर्मास के 4 महीनों के लिए, उन्होंने उनकी माता ने उनके स्थिर भाव से सेवा की थी और उनके बचे हुए अन्न को खाया था। इससे उनका हृदय का दर्पण शुद्ध हो गया था और भागवत धर्म के प्रति उन्होंने स्वाद पा लिया था। जब वो संत लोग वहां से स्टेज को छोड़ के चले गए, उन्होंने उस माता को भगवान के बारे में गोपनीय ज्ञान बताया था। इन्हीं में कुछ समय बाद वो माता भी अपना शरीर छोड़ गई, तो नारद जो है, नारद ने सारा संकोच छोड़ दिया, जोर जोर से भगवान का नाम लेते थे। एक बार वो करते हुए एक प्रदेश में पहुंचे, वहां पे एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करे थे, उन्होंने भगवान हरि का दर्शन पाया ध्यान में। उसके समय कुछ समय पश्चात उन्होंने फिर कुछ और संतों की सेवा की थी और भगवान हरि का नाम जपते जपते बिना कोई रिस्पेक्ट प्राप्त करे उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। बाद में भगवान के पार्षद नारद के रूप में के शरीर पाया था। वेद धर्म योगे नाना शास्त्र करी व्यास, तिलारा धेका चित्ते नाही वासे न प्रकाश, महागोपी जाने भक्ति बोली ले संकल्प संक्षेपे, सबे अपराध चित्ते रक्षेपे, नारदेर वाक्य भक्ति करीला विस्तार, तबे मनो दुख गेला तारीला संसार। कई शास्त्रों का संकलन करने के बाद में व्यास देव को भी संतुष्टि नहीं मिला था अपने हृदय में, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की महिमा नहीं गाई थी। लेकिन नारद के इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम लिखा और इस प्रकार से भगवान के भक्तों की भक्ति की महिमा गाई। इस प्रकार से भगवान की भक्ति की महिमा गाई जा रही है। मुकुंद फिर बोलते हैं, गीता है ना मानी लो मुनि है ना भक्ति, आ रहा तो मां देखी बारे अच्छे मोर शक्ति, मैं आपका एक इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट हूं, मैंने कभी ऐसी भक्ति स्वीकार दी कि सो मेरे पास क्या शक्ति जो मैं आपके दर्शन करूंगा। बाहु तुली कांदे है मुकुंद महादास, शरीर अचलाये है ना बाहे महाश्वास। इस प्रकार से महान भक्त मुकुंद ने अपने हाथ खड़े किए और रोने लगे। वे इतनी तेजी से सांस लेने लगे कि उनकी जो बॉडी है वो शेक करने लगी। इस प्रकार से मुकुंद जो है भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें किस प्रकार दर्शन हो गया, उन्हें अद्भुत ये चीज का आश्चर्य हो कि उन्हें किस प्रकार से दर्शन हुआ। भगवान उसे बहुत प्रसन्न है, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं मुकुंद। इस प्रकार से और भी आगे प्रार्थना करेंगे।
और भी आगे प्रार्थना है। आज अभी समय होने वाला है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की जो प्रार्थना है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे कृष्ण।